तो यहाँ पे हम लोग के हायरार्की में जो एक क्लास है एक्सेप्शन, ये हमारा पेरेंट क्लास होता है। मीन्स जितने भी एक्सेप्शन अगर हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो उसका पेरेंट क्लास कौन होगा? एक्सेप्शन होगा, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे सब क्लासेस होते हैं, मतलब इस एक्सेप्शन को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जैसे आईओ एक्सेप्शन मीन्स इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन मतलब क्या होगा कि हम लोग को अगर कोई भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, लाइक कोई रिसोर्सेज हम लोग लेके रखे हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग का जो आउटपुट जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं वो दिख नहीं रहा है, जो इस कंसोल स्क्रीन है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो जैसा कि हम लोग कोई वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, या जो फाइल टाइप हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो फाइल टाइप सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो एरर्स होते हैं, ठीक है, जो रन टाइम पे आते हैं, हम लोग तो कोडिंग वगैरह कर दिए, सारा चीज़ हम लोग कर दिए, लेकिन जब हम लोग उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम रन करने के बाद हम लोग को इनपुट आउट और आउटपुट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एरर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस पे आईओ एक्सेप्शन वो काम करता है, ठीक है। ये सारे चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। सेकंड आता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सेप्शन आता है वो कनेक्शन रिलेटेड आता है। मीन्स हम लोग जो अपना एप्लीकेशन बनाए हैं, ठीक है, वो किसी बैकएंड से कनेक्टेड होगा। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसका एक फ्रंट एंड होता था, एक बैकएंड होता था। बैकएंड जो होता था डेटाबेस होता था, ठीक है। डेटाबेस में वहाँ पे हम लोग एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरी जब वो चलेगा, जब वो रन होगा, तो उसके लिए कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड जो लाइक जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लिखे हैं वहाँ पे, उस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने पासवर्ड गलत डाल दिया, ठीक है, या फिर जो कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हमने लिंक डाला है वो गलत डाल दिया, डेटाबेस का नेम गलत डाल दिया, ठीक है, टेबल का नेम गलत हो गया, या फिर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी जो है हम लोग लिखे हैं वो सही नहीं लिखे हैं, आउटपुट हम लोग को सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो डेटाबेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, हम लोग जो डेटा फेच करने वाले हैं या फिर जो डेटा हम लोग सेव करने वाले हैं वो सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। जो पैरामीटर्स उसको चाहिए वो पैरामीटर्स हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस पे यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसको हम लोग एसक्यूएल एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। कि हम लोग को पता चलेगा कि डाल दिए नाम, या फिर जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना दिए हैं ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, ये हो गया था क्या? ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन में क्या होगा, जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोडिंग वगैरह कर दिया और उसके बाद उसको टेस्ट नहीं किया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट जो भी क्लास है हम लोग एज्यूम कर लिया और उस क्लास का नाम डाल के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो क्लास रहेगा ही नहीं, या फिर हम लोग कुछ एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस पे कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है, या फिर हमने जो क्लास बनाया उसको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर दिया, स्पेस दे दिया है, या फिर
कैपिटल स्मॉल्स का कुछ इशू होता है, ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो केस रिलेटेड वहाँ इशू हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इश्यूज होते हैं वो रन टाइम पे पकड़े जाते हैं, ठीक है, मीन्स रन टाइम पे जब वो मॉड्यूल जब रन होता है, वो कोडिंग जब रन होती है, तो उस केस पे क्या होता है कि जो हमारा क्लास है, ठीक है, वो मिलता नहीं है, नॉट फाउंड, ठीक है, तो उस केस पे यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो जनरली ये तीन सबसे ज्यादा थ्रो होते हैं। फिर उसके बाद आता है रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन में भी यहाँ पे कुछ कुछ अलग 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 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन आता है, जैसे डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, या फिर कुछ इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कुछ नए नए टाइप के वहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो होता है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो एक एक्सेप्शन होता है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करता है उसको, ठीक है। देन उसके बाद आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। जनरली बहुत सारे हम लोग स्ट्रिंग्स लेते हैं, स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स जब हैंडल करते हैं हम, तो वहाँ पे लास्ट में होता है नल पॉइंटर, या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यू, ठीक है, तो ये सब में नल पॉइंटर्स होते हैं, जो आखिरी मतलब जो उसका एंडिंग है उसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है, नल पॉइंटर या फिर कोई एक स्ट्रिंग है वो नल को पॉइंट करने लगता है, ठीक है, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग को पॉइंट करता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, रन टाइम पे आते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग कोई टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दे रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ों में हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, कि कर्सर हम लोग ले गए, कुछ स्पेस वगैरह दब गया, तो वो नल पॉइंट मतलब नल को पॉइंट करते रहेगा, मीन्स वो लास्ट कैरेक्टर पे चले जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और कौन हैंडल करेगा उसको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करेगा। नेक्स्ट आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में क्या होगा, जैसे कि लाइक अलग अलग टाइप के नंबर फॉर्मेट होते हैं, मीन्स डेसिमल में, ठीक है, या ऑक्टल में, या फिर हेक्साडेसिमल में, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सब चीज हम लोग डेसिमल में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग डेसिमल में डिफाइन करते हैं तो मैक्सिमम सारे नंबर्स ले लेता है, कोई इश्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग को कभी जरूरत पड़ती है कि हम लोग हेक्साडेसिमल में वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि हम लोग कोई छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जिसमें कैप्चा जनरेट करता है, ठीक है, कैप्चा सभी लोग जानते होंगे, इस टाइप का हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे जनरली हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और वहाँ से कुछ एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, लेकिन वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। या फिर हम लोग कोई इनपुट लेते हैं, ठीक है, कोई भी इनपुट अगर लेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि वो ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में, या नंबर हो, ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग को वहाँ फॉर्मेट देना पड़ता है। अब हमने वहाँ डेसिमल या फिर ऑक्टल में डाल दिया, हेक्साडेसिमल, हम लोग कोई गलत फॉर्मेट में वहाँ डेटा डाल रहे हैं, मीन्स जो वहाँ जो नंबर एंटर कर रहे हैं हम लोग गलत फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होगा, जब हम लोग एरेज डिफाइन करते हैं, एरेज जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वहां पे मान के चलो एरे हम लोग एक क्रिएट करें, एरे का साइज है 10, एरे का साइज है 10, मतलब उसके अंदर 10 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। अब हमने वहां पे क्या किया, 10 कैरेक्टर डाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक्सेस किया। अब एक्सेस जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो हमने लूप लगा के उसको एक्सेस किया, लूप लगा के हमने एक्सेस किया, तो क्या होगा,
हमने वहां पे लूप कितने बार चलाया, 50 बार चला दिया, तो इंडेक्स तो है ही नहीं हमारे पास, उतना इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास। इंडेक्स कहाँ तक है, 10 तक है। इंडेक्स कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। तो जो वहां पे जो इंडेक्स के हिसाब से वो लूप चल रहा है, लूप तो 50 बार चलेगा, लेकिन वो इंडेक्स है ही नहीं, तो एक्सेस कहाँ से करेगा। यहाँ पे हम लोग के पास इतने सारे एक्सेप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग को याद नहीं है, हम लोग को कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो होगा ऐसा पता है, लेकिन एक्चुअल क्लास उसकी पता नहीं कि कौन सा क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रो होने वाला है। ये सारी क्लासेस है, ठीक है। ये क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, सीधी सी बात, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, थ्रो करना मीन्स फेंकेगा, ठीक है। जब भी एक्सेप्शन आएगा, इनमें से कोई एक क्लास का, यहाँ पे जो इतने सारे क्लासेस हैं, इनमें से कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, वही ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। वही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो, अब सीधी सी बात यह है कि मान के चलो कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, कोई भी एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, मीन्स मान के चलो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आया, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसा बड़ा सा लाइन लिखा होगा, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, दुनिया भर का लिखा होगा क्लास ये लाइन हम, ठीक है। जब अगर मान के चले हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाए हैं और यूजर जो है, ठीक है, प्रोग्रामर तो चलाएगा नहीं, उसको कौन चलाएगा, यूजर चलाएगा। यूजर जब उसको प्रोग्राम को चला रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ी सी लाइन उसको लिखी हुई देगा, वो समझ में नहीं पाएगा, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है, ठीक है। वो सीधा फोन लगाएगा किसको, प्रोग्रामर को फोन लगाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है खराब है, इसमें दुनिया भर के एरर आते रहते हैं और मेरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वो उस मैसेज को देख के डर जाएगा, जो वहां पे कंसोल में उसको मैसेज देखने के लिए मिलेगा, उस मैसेज को वो समझ ही नहीं पाएगा कि वहां पे क्या एरर है, मतलब क्या हो रहा है करके। वो सीधा एक ही चीज बोलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर खराब है, आपका ये एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे,